वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स, नीतूज वेजी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं जिस नाश्ते की रेसिपी लेकर के आई हूँ, ये बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि मैं इसे बनाऊंगी गेहूं के आटे से। वो बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होगा। एक बार आप इसे बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए झटपट बनाते हैं इस टेस्टी से नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो आइए बनाते हैं। यहाँ पर हम यहाँ मैंने 3 कच्चे आलू लिए हैं, इनको छीन लिया है। छीनने के बाद इन्हें हम पानी में डिप करके रख देंगे, क्योंकि बिना पानी के रखेंगे तो जल्दी काले पड़ने लग जाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक कद्दूकस लूँगी और इस कद्दूकस की हेल्प से हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। हमें एक पानी के बोल में ही इन आलुओं को ग्रेट करना है, क्योंकि आप बिना पानी के करेंगे तो आलू के जो लच्छे हैं वो काले पड़ने लग जाएंगे। इसलिए आप इन्हें पानी में ही ग्रेट करें, ताकि ये आलू के लच्छे काले ना पड़े। इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें 3 से 4 बार इसे फ्रेश वाटर से अच्छे से वॉश करना है आलू के जो लच्छे हैं ना, ताकि इनका सारा स्टार्च निकल जाए। आप इसे बार बार अलग अलग पानी से, यानी 3 से 4 बार इसको पानी में डिप करें, अच्छे से हाथ से स्क्वीज करें या निचोड़ लें, और फिर इसे एक अलग बोल में हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलू के लच्छे को निकाल लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, आप हाथ से प्रेस कर दें, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो आलू के लच्छों का वो निकल जाए। आप किसी मलमल के कपड़े का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कॉटन के कपड़े का भी, या फिर छलनी से भी यूज़ करके इसके पानी को रिमूव कर सकते हैं, पर मैंने हाथ से इसको यूज़ कर दिया है, अच्छे से सारा पानी निकल गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसकी तैयारी करते हैं आगे की। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के लगभग चिली फ्लेक्स का यूज़ किया है। आप पिसी हुई लाल मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक बारीक कटी हुई गाजर ली है। आप इस गाजर को कद्दूकस भी कर सकते हैं, मैंने बहुत ही फाइन चॉप किया है तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको काट लिया है। आपके पास जो सब्जी अवेलेबल ना हो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बारीक कटी हुई प्याज ली है। प्याज हर सीजन में अवेलेबल होती है, तो प्याज का यूज मैंने यहाँ पे किया है। एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल दी है, शिमला मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही साथ 1 टेबल स्पून नमक डाला है, नमक स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा करें। 1 टेबल स्पून के लगभग धनिया पाउडर डाल रही हूँ, ये भुना हुआ धनिया पाउडर, यानी मार्केट का धनिया पाउडर है, इसलिए कलर इसका ऐसा है। साथ ही साथ यहाँ पर 1 टेबल स्पून सफेद तिल यूज कर रही हूँ। सफेद तिल ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर सफेद तिल बहुत ही हेल्दी होता है, जरूर डालें अगर हो तो। साथ ही धनिया डाल दिया है, मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है, पनीर को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। आप कद्दूकस कर सकते हैं यहाँ पर, और पनीर आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद 1 टेबल स्पून चाट मसाला डाल दिया है। चाट मसाला डालने के बाद फ्रेंड्स इसे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मिक्स करके इसे अच्छे से मिलाना है, ताकि सारे मसाले सारी वेजिटेबल अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनके तैयार होने वाला है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैं इसकी एक चटनी बनाऊंगी। चटनी इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए मिंट यानी पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं। वीडियो यहाँ पर थोड़ी सी डिलीट हो गई थी, मैं आपको बता देती हूँ कि इस चटनी में मैंने यहाँ पर आगे क्या क्या यूज़ किया है। मैंने इसमें धनिया के पत्ते डाले हैं, 3 लहसुन की कलियाँ डाली है, 2 हरी मिर्च, 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर और 1/2 टेबल स्पून नमक, और थोड़ा सा पानी डाला है। इस चटनी को हमें पीस लेना है। इस चटनी को हमको बिल्कुल फाइन नहीं पीसना है। ये देखिए चटनी का हमको ऐसा फॉर्म चाहिए कि बिल्कुल जैसे दरदरा सा कुटा हुआ सा फॉर्म होता है ना, ऐसा रेडी करना है। अगर आपके पास हरी धनिया की चटनी ऑलरेडी रेडी है तो उसे भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, पर अगर आप फ्रेश बना रहे हो तो ऐसे फॉर्म में हमें चटनी को रेडी करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आटा लूंगी। मेरे पास आटा रखा हुआ था गूंदा हुआ, रोटी का बचा हुआ, तो मैं वहाँ पर ये यूज़ कर रही हूँ। फ्रेश आटा भी गूंद सकते हैं साथ के साथ। अब देखिए ये 2 रोटी के भर लगभग का है, तो मैंने इसको 20 से डिवाइड कर लिया। आपके पास जो भी आटा हो उसको 20 से डिवाइड कर लें, ये देखिए, और इसको हाथ से प्रेस करते हुए अच्छे से, मतलब इसकी लोई बनानी है। हमें इसको ऐसे बेलना है फ्रेंड्स, जैसे आप रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी बड़ी बनानी है। थोड़ा सूखा आटा मैं यहाँ पर लगाऊंगी और इसे हम अच्छे से बेल लेंगे। इसे बेलते हुए इसको थोड़ा साइज हमें अच्छा बड़ा रखना है, यानी जो आपका रोलिंग बोर्ड है, जैसे मेरा रोलिंग बोर्ड एक नॉर्मल साइज का है, तो इसके बराबर का ही मैं इसको बेल लूंगी। रोटी से थोड़ा बड़ा बेला है मैंने यहाँ पर, ये तो फ्रेंड्स इसे हमें रोटी से थोड़ा भारी बेलना है और थोड़ा बड़ा बेलना है। ये देखिए इसकी थिकनेस देख रहे हैं ना, ऐसे रखनी है हमको यहाँ पर। अब मैं इसमें लगाऊंगी टमाटो सॉस, बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आएगा, खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा इस नाश्ते का। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लगाऊंगी जो चटनी हमने पीस रखी थी, रेडी कर रखी है ना, उस चटनी को भी इस पर अच्छे से चारों तरफ फैला देना है हमें। ये देखिए ऐसे करके स्प्रेड कर देना है, बहुत ही अच्छे से इसको आप स्प्रेड कर दें। मैंने इससे पहले भी आटे के स्नैक्स
की एक रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे जाके लिंक पे मेरी वीडियो पर देखिए। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद जो हमने यहाँ पर फिलिंग रेडी की है, इसे भी हमें इवनली इसमें अच्छे से फैला के रखनी होता है। अच्छे से आप भर के डालें, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, भरा भरा सा लगेगा नाश्ता हमारा। यहाँ पर बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा फ्रेंड्स। तो आपने वीडियो यहाँ तक देख ली, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए मैंने अच्छे से पूरे में फिलिंग स्टफिंग अच्छे से कर दी है। अब हमें बहुत ही सिंपल तरीका अपनाना है, बहुत ही आसानी से होगा। हमें कोई पानी नहीं लगाना है इसको चिपकाने के लिए, सिंपली जो उसके एजेस है यानी जो किनारे हैं ना, इनको पहले फोल्ड कर देना। ये देखिए हाथों से फोल्ड करेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और बस इसको हल्के हल्के हाथों से आपको रोल करते जाना है। ये देखिए बहुत ही हल्के हल्के हाथों से करेंगे। आप थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लें अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ऐसे करने में, तो और आसानी से हो जाएगा। और बस थोड़ी बहुत देखो मेहनत तो करनी पड़ती है, आप कुछ भी बनाते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ बनाते हैं, थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, पर टेस्टी रेसिपी जब बनके तैयार होगी ना तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। ये देखिए मेरा एक रोल यहाँ पर बनके रेडी हो गया है। सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा बनाते हैं। ये देखिए सबसे पहले सॉस लगा लें आप, उसके बाद आप इसमें चटनी लगा दें, जो ग्रीन चटनी रेडी कर रखी है, ग्रीन चटनी लगा दें। और साथ ही साथ इसमें अगर आपका मन कर रहा है कि आप ब्लैक पेपर पाउडर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, आप ओरिगैनो डाल सकते हैं, या फिर इसकी जगह पिज्जा सॉस भी इसमें लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। जो भी चाहे आप इसमें सॉसेस लगा सकते हैं। और इसके बाद जो आपने फिलिंग रेडी कर रखी है स्टफिंग, इसे अच्छे से फिल कर दे फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होने वाला है हमारा यहाँ पर। और गेहूं के आटे से बना है तो हम टेंशन फ्री होकर खुद भी खा सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे दूसरा रोल भी फटाफट रेडी कर लेती हूँ, उसे हाथ से हल्का हल्का प्रेस कर दे ताकि जो स्टफिंग है इवनली अच्छे से अंदर स्प्रेड हो जाए। यहाँ पर मैंने एक जाली ली है, इसे अच्छे से आप ग्रीस कर ले। आप स्टीमर की जाली कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपका दूध ढकने वाली जाली है उसका भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बस उसे ग्रीस करना है। थोड़ी जाली बड़ी होनी चाहिए क्योंकि हमारे रोल थोड़े बड़े हैं, तो जाली भी हमारी अच्छे से बड़ी होनी चाहिए। और इसको थोड़ा डिस्टेंस पे रखना है, जो रोल रखे हैं ना थोड़ा गैप होना चाहिए, वरना ये हल्के हल्के स्टीम होंगे, हल्के हल्के तरफ फूलते हैं तो आपस में इनका चिपकने का थोड़ा डर रहता है। इसलिए देखिए मैंने दोनों को रख दिया। यहाँ पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है पतीले में, पानी अच्छा गर्म हो गया है। अब इसको हम इसके ऊपर रख देंगे, साथ ही साथ हम इसको लिड से कवर कर देंगे। लिड अच्छी तरीके से हमको टाइट रखना है ताकि जो स्टीम है इसके अंदर ही रहे, जो हमारे रोल से अच्छे से कुक हो जाए, स्टीम बाहर ना निकले। उसे 10 से 15 मिनट के लिए लिड से कवर करके हम छोड़ देंगे, रिलैक्स कर देंगे मिड टू लो फ्लेम पे। और ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये हमारे रोल्स स्टीम होकर के रेडी हो गए हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं देखने में और ये कुक हो गए हैं। आप देख सकते हैं आटे का कलर हमारा यहाँ पे चेंज हो गया है। जब आप इसे हाथ लगा के टच करेंगे ना, थोड़े थोड़े से आपको हार्ड लगेंगे, मतलब जैसे गेहूं का आटा होता है हल्का हल्का स्टिकी होता है, पर हाथ से टच कर रही हूँ तो ये देखिए इसका सर्फेस है एकदम हार्ड हो गया है, यानी ये अच्छे से कुक हो गए हैं यहाँ पर। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इनको ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा हो जाने के बाद ही कट करें, उससे पहले कट ना करें वरना ये सारे मैशी हो जाएंगे और टेस्टी नहीं लगेंगे। यहाँ पर आपको लगेगा ये क्या बना लिया मैंने, लेकिन जब ठंडा हो जाएगा फिर आप इसे हल्के हल्के हाथों से कट करेंगे ना, आप किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको लंबे स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। अगर आप इसको ऐसे भी खाना चाहते हैं तो आप इसको ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये देखिए ये बिल्कुल ही ऑयल फ्री स्नैक्स हो जाएगा आपके लिए। पर हम बच्चों के लिए घर पर बना रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करेंगे ना, इसको हम फ्राई करूंगी। मैंने यहाँ पर सबसे पहले सूखा आटा ले लिया है, 3 से 4 चम्मच के लगभग सूखा आटा लिया है। उसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक इसका अच्छा सा घोल बनाना है हमको, बहुत ही पतला सा बैटर बनाना, ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए ऐसी होनी चाहिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, कि इसमें हमें डिप करके उसे फ्राई करना है, तो ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा गाढ़ा होगा तो आटे की लेयरिंग ज्यादा हो जाएगी हमारे डिश में और टेस्टी नहीं लगेगा हमको यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि आटे से थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो यहाँ पर आप थोड़ी सी हल्दी का यूज कर सकते हैं। हल्दी डालने से एक तो हेल्दी भी होती है हल्दी, और दूसरा ये इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो मैं थोड़ी चुटकी भर हल्दी यहाँ पर डाल रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा हींग डालूंगी, हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप यहाँ पर हींग चुटकी भर डाल दें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाएगा। नमक का यूज मैं यहाँ पे नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी हम नमक का यूज वहाँ पे कर चुके हैं अपने रोल्स में, नमक एक्सेस में हो जाएगा, तो बिना नमक डाले इस घोल को आप रेडी कर लें अच्छे से। अब बारी आती है इसे फ्राई करने की, तो सिंपली जो हमने रोल्स बनाए हैं इसमें आप डिप करें,
ये देखिए इसको अच्छे से चारों तरफ से कोट कर दें। इसे कोट करने से क्या होगा फ्रेंड्स ना, कि जो ये हमारे वेजिटेबल्स हैं ये बाहर नहीं निकलेंगी। हाँ, मैंने ऑयल गर्म कर रखा है, मैं शैलो फ्राई करूंगी। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राइंग के लिए आपको ऑयल ज़्यादा चाहिए। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम को लो कर दें ताकि जो हमारे ये रोल्स हैं जले नहीं, और फटाफट इन्हें एक एक करके हमें शैलो फ्राई करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि इसको हम डालते एकदम हमको इसको पलटना नहीं है, 2 से 4 मिनट तक रुकना है क्योंकि हम इसको लो फ्लेम पर शैलो फ्राई कर रहे हैं। इनके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा ऑयल डालें ताकि ये ईजी जो है नीचे से कुक होते जाएंगे, ऊपर से भी अच्छे से कुक हो जाए, और इजिली इनको पलट के आप रेडी कर लें। आप जब भी इसे बनाएंगे बहुत ही बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आने वाला है। और यहाँ पर ये देखिए ये हमारे रोल्स बनकर के रेडी हो गए हैं, बहुत ही अच्छे बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। अब आइए इनकी हम प्लेटिंग करते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे आटे का नाश्ता बनकर के रेडी हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की है तो आप कैसे बनाते हैं ये भी मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।